मनकापुर थाना क्षेत्र के पंचपुती जगतपुरा गांव में मामूली विवाद के चलते दामाद ने अपने ससुर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद दामाद ने सास पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे सास लहूलुहान हो गई। इसके बाद उसने पत्नी और साले को भी मारने के लिए दौड़ा लिया। वहीं ग्रामीणों ने किसी तरह से दोनों की जान बचाई। वहीं मौका पाकर हत्यारा फरार हो गया। भाई हमारे भौजाई कौरा ता पर रहे और के बाद रात में दमाद से कहा भाई कहा नाई भाई उनके दमादे हुआ आए वही एक ताव में कुल्हाड़ी वही पड़ी रही लेकर आए गर्दन पर मारी तो भाई दरिये पर खत्म हो गए और भौजाई घायल हो गए। वो कहा जिला अस्पताल में भर्ती के कह के और भाई को लेकर आन चीज घर पोस्टमार्टम हुआ था। थाना मनकापुर क्षेत्र के ग्राम पचपुती जगतापुर डिहेवा में आज सवेरे एक घटना घटित हुई है, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना मनकापुर पर सूचना दी गई। वादी के भाई और भाभी को उनके दामाद के द्वारा जो उनके घर पर रुका हुआ था धारदार हथियार से घायल किया गया, जिसमें उसके वादी के भाई सोमई की जो लगभग 62 वर्ष के थे मृत्यु मौके पर हो गई। उनकी पत्नी कुमारी घायल हो गई जो जिला अस्पताल रिफर की गई है। अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को अंत्य परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा जाएगा।